और राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभार्थियों को सही मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने, दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल उपकरणों की सुविधा शुरू की है, जिसके बाद सभी दुकानों पर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल यानी कि POS डिवाइस को अनिवार्य कर दिया है। इसकी खास बात यह है, इस सरकार के इस फैसले पर असर भी देखने को मिल रहा है। बता दें कि हाइब्रिड मॉडल की पॉइंट ऑफ सेल मशीनें दी गई है, जिससे राशन देने में कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। वहीं खाद्य पूर्ति निरीक्षक रवि सनवाल ने बताया है कि चावल की आपूर्ति जैसे जैसे मिलों से हो रही है, वैसे वैसे भुगतान भी हो रहा है। वहीं खराब चावल आदि आने पर शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं, और यदि कोई गल्ला विक्रेता खराब चावल लोगों को देता है तो इसकी शिकायत भी की जा सकती है। इसके साथ ही ऐसे विक्रेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जैसे कि शासन के आदेश भी हैं कि हर दुकान पे अब इलेक्ट्रॉनिक कांटा लगभग अनिवार्य कर दिया गया है, हमारी जानकारी के अनुसार लगभग सभी दुकानों पे इलेक्ट्रॉनिक कांटा अनिवार्य कर दिया गया है। अगर ऐसी कोई शिकायत मिलती है कि किसी विक्रेता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कांटे का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक कांटा लगे और उपभोक्ता को जो उसकी आवश्यक वस्तुएं हैं वो सही तौल और सही मात्रा में मिलें, यह सुनिश्चित किया जाएगा।